तो गुरु, ऐसे ही बैठे बैठे मैं ब्रह्मास्त्र मूवी के बारे में सोच रहा था, उसके कुछ सीन्स को याद कर रहा था कि तभी मुझे क्लिक हुआ कि यार, उसका जो मेन विलन होने वाला है अगले पार्ट का देव, हमें उसका फेस रिवील नहीं किया गया है। और काफी डीपली सोचने के बाद मुझे कुछ पॉइंट्स मिले हैं कि आखिर क्यों उन्होंने देव का फेस रिवील नहीं किया और अगली पिक्चर में देव कौन होने वाला है। तो इस वीडियो में हम इन्ही टॉपिक्स पर बात करेंगे और हम एक एंथुजियास्ट ऑडियंस, एक बिजनेसमैन और एक क्रिएटर यानी अयान मुखर्जी की तरह सोच कर देखेंगे कि क्यों उन्होंने देव का फेस रिवील नहीं किया। और हाँ, इस पर मैं अपना ओपिनियन भी रखूंगा, तो उसके लिए वेट जरूर करना। फिर वेट क्या, चलो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना ही ओपिनियन रखता हूँ कि क्यों एक बड़े एक्टर को कास्ट करने की जरूरत है आने वाले ब्रह्मास्त्र के सेकंड पार्ट में, इसका नाम होने वाला है देव। देखो, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इन्हें एक बड़े एक्टर को इस रोल में कास्ट करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, किसी ऐसे एक्टर को जो इस रोल को पुल ऑफ कर सके। क्योंकि मूवी में हमें दिखाया गया है कि देव पहले ब्रह्मांस का पार्ट था, उसके पास अग्नि अस्त्र भी था और वो एक अच्छा इंसान था, पर बाद में वो करप्ट होता है। तो हमें उसकी दोनों साइड से देखनी है, वो पहले अच्छा इंसान था, इस चीज को पुल ऑफ करने के लिए भी एक अच्छे एक्टर की जरूरत है, और वो उसके बाद एक ट्रेडिशनल विलन बन गया, इस चीज को पुल ऑफ करने के लिए भी एक अच्छे एक्टर की जरूरत है। जैसे मार्वल के मून नाइट में मार्क और स्टीवन दोनों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से ऑस्कर आइजैक ने प्ले किया है, बिल्कुल उसी तरह किसी बड़े और अच्छे एक्टर को कास्ट करने की यहाँ एक बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मूवी दो फेज में होगी जहां तक मुझे लगता है। एक फेज में उसका अच्छा पार्ट दिखाया जाएगा और दूसरे फेज में उसका ईविल पार्ट। तो एक एक्टर के लिए ये दोनों काम एक ही पिक्चर में करना काफी बड़ा टास्क होगा, इसीलिए उन्हें एक बेहतरीन एक्टर को कास्ट करने की जरूरत है। खैर, देखेंगे कि आगे क्या होता है, लेकिन हम अब एक एंथुजियास्ट ऑडियंस की तरह सोच कर देखेंगे कि उन्होंने क्यों देव का फेस रिवील नहीं किया। तो देखो, मुझे इसका जो रीजन लगता है कि उन्होंने देव के लिए किसी एक्टर को अभी तक कास्ट ही नहीं किया था। अब आप बोलोगे कि हमें मूवी में देव की कुछ झलक तो दिखाई गई है, तो इसलिए उन्होंने किसी एक्टर को तो कास्ट किया था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने किसी एक्टर को इस चीज के लिए कास्ट नहीं किया था। क्योंकि तुम ही सोच कर देखो, अगर वो किसी बड़े एक्टर को कास्ट करते, उसे कुछ पैसे देते, करोड़ दो करोड़, तो फिर वो उसका फेस रिवील क्यों नहीं करते। चीज तुम खुद पर लगा कर देखो कि अगर तुम किसी बड़े एक्टर को कास्ट कर रहे हो तो तुम उसका फेस रिवील क्यों नहीं करोगे, जबकि तुम जानते हो कि उसका फेस रिवील करने से तुम्हारी आने वाली पिक्चर की कितनी बड़ी हाइप बन सकती है। इसीलिए मुझे लगता है कि देव नाम के कैरेक्टर के लिए उन्होंने किसी एक्टर को अभी तक कास्ट किया ही नहीं था। और जो झलक देव की हमें देखने को मिली थी, वो किसी जनरल फिजिकल बॉडी बिल्डर टाइप एक्टर या किसी अपने ऐसे ही किसी बंदे को उठाकर उससे ये सूट करा लिया होगा। इस और उन्होंने किसी बड़े एक्टर को अभी तक कास्ट नहीं किया है। और इसी से आती है हमारी थ्योरी नंबर टू, जिसमें हम सोचेंगे एक बिजनेसमैन की तरह। अब देखो भाई, अगर तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हें अपनी मूवी से पैसा भी कमाना है, तो तुम एक एक्टर को कास्ट करोने से पहले ये भी सोचोगे कि आने वाले सेकंड पार्ट की हाइप बनाने में अगर तुम नाकामयाब रहे, अगर तुम्हारा पहला पार्ट चला ही नहीं और इतने बड़े एक्टर को तुम कास्ट कर रहे हो, तो फिर उसके लिए भी तुम्हें ब्लेम किया जाएगा कि साला इतने बड़े एक्टर को कास्ट करने के बाद तुमने दूसरा पार्ट बनाया ही नहीं। फिर इसी के साथ अब हम सोचेंगे एक क्रिएटर की तरह, यानी अयान मुखर्जी की तरह। इस तरह सोचने पर जो मेरे दिमाग में आया कि उसने यानी अयान मुखर्जी ने अगर किसी एक्टर को कास्ट किया भी है, चलो हम मान के चलते हैं कि उसने रणवीर सिंह को कास्ट किया है, तो मुझे ये लगता है कि उसने जानबूझकर रणवीर सिंह का फेस रिवील नहीं किया। अब तुम लोग ये बोलोगे कि यार, अभी तो तुमने कहा था कि मतलब किसी बड़े एक्टर को कास्ट कर रहे हो, उसे पैसे दे रहे हो, तो उसका फेस रिवील क्यों नहीं करोगे। तो देखो, मैंने कहा था, लेकिन वो एक एंथुजियास्ट ऑडियंस का रिएक्शन या बोल सकते हैं थ्योरी थी, और ये एक क्रिएटर की थ्योरी है। तो देखो, अयान मुखर्जी ने जानबूझकर रणवीर सिंह का फेस रिवील नहीं किया, क्योंकि भाई ये बॉलीवुड है, यहाँ एक्टर की ज्यादा चलती है। उन्होंने इसे कास्ट तो कर लिया, दिखा दिया कि देव ये है, और अगली पिक्चर से पहले मान लो रणवीर सिंह अगर नखरे करने लगे तो क्या होगा। इसीलिए उन्होंने इसका जानबूझकर फेस रिवील नहीं किया, क्योंकि यहाँ बॉलीवुड में एक्टर्स की ज्यादा चलती है, ना कि स्टूडियो की। तुम इसे मार्वल या डीसी स्टूडियो मत समझो कि ये जो चाहेंगे एक्टर्स वही करेंगे, ये कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कराते हैं अपने एक्टर्स से, कराते भी होंगे लेकिन इतना बड़ा नहीं। इसीलिए मुझे ये लगता है कि अयान मुखर्जी ने जानबूझकर रणवीर सिंह का फेस रिवील नहीं किया, ताकि पब्लिक को ये पता ही ना हो कि आने वाली पिक्चर में देव कौन होगा। और अगर ये पिक्चर हिट होती है, मान के चलो अगर ब्रह्मास्त्र का पार्ट वन हिट होता है और उसे लगता है कि अब मुझे सेकंड पार्ट बनाना चाहिए, तो वो किसी भी बड़े एक्टर को इसके लिए कास्ट कर सकता है, और कोई भी बड़ा एक्टर इसके लिए बहुत ही आसानी से मान भी सकता है। तो इसीलिए उसने जानबूझकर किसी बड़े एक्टर को कास्ट ही नहीं किया। लेकिन अब इस बारे में तुम्हें क्या लगता है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर तुम्हारी थ्योरी मुझे अच्छी लगी, तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा और उसमें तुम्हारा नाम भी लूंगा कि ये हमारे इस ऑडियंस की थ्योरी है। फिर चलिए, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके बताना कि तुम्हें इनमें से क्या लगता है कि उसने किस तरह सोचा होगा, और
अगर वीडियो यार अपने दोस्तों तक पहुंचानी है, उन्हें ये बात बतानी है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इन वीडियोस की अगर जानकारी तुम्हें पहले ही चाहिए, मतलब मैं इन वीडियोस को बनाने से पहले लगभग एक दिन पहले डाल देता हूँ अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर कि मैं कल कौन सी वीडियो लाने वाला हूँ, और उसकी जानकारी अगर तुम्हें पहले ही चाहिए तो तुम मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो। उनके लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।